उत्तर प्रदेश आपको ले चलते हैं, जहां पर बजट सत्र का दूसरा दिन आज है, मगर वहां पर किस तौर पर हंगामा देखने को मिला, क्योंकि विरोधी दलों ने, विपक्षी पार्टीज के पॉलिटिकल लीडर्स ने जिस तौर पर हंगामा किया, उस हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ ये दूसरा दिन भी आज देखने को मिला है। कई सारे ऐसे मुद्दे जिन्हें बुनियाद बना करके समाजवादी पार्टी बीएसपी के नेताओं ने न सिर्फ वॉकआउट किया बल्कि काफी हंगामा किया, और जिस वजह से हंगामे की वजह से विधानसभा के स्पीकर काफी नाराज हुए और इसी बीच में तीन बार विधानमंडल की कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ा। तो सत्र का दूसरा ही दिन है और यहां पर सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से वेल में वहां पर पहुंचे हुए, हाथों में पोस्टर्स और तख्तियां, कुछ इस अंदाज में महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष इस वक्त हंगामा कर रहा है। विधानसभा में आज कांग्रेस पार्टी ने 311 के अंतर्गत सदन में कानून व्यवस्था के गंभीर सवाल पर चर्चा करना चाहा, लेकिन ये सरकार पिछली पद्धति को अपनाते हुए कानून व्यवस्था पर चर्चा से भागने का काम की। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 का एनसीआरबी रिपोर्ट एनसीआरबी ने जारी किया है, लगभग 56,011 मामले दर्ज किए गए हैं कुल अपराध के, महिला अपराध के, यानी उत्तर प्रदेश में महिला अपराध सबसे एक नंबर पर है पूरे देश में। इस बात को दर्शाता है कि इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल। किस रामराज की बात कर रहे हैं? जिस राज्य में बेटियों को बलात्कार करके जिंदा जलाया जाता उस रामराज की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष के समक्ष नियम 56 में अविलंबनीय हर स्थगन को रोक करके इस चर्चा पर, इस बात पर चर्चा कराने की मांग की थी, जिसको स्वीकार नहीं किया माननीय अध्यक्ष जी ने। हमने वेल में जाकर अपनी बात को रखने का प्रयास किया और सरकार फिर बचते हुए हाउस को एडजर्न कर चली गई।